हमारा रिप्लाई देने का अपना राइट है, हमको रिप्लाई देके अपनी बात हमारी कहने का मौका दिया जाए। 1:30 बजे बहस शुरू हुई थी, 2 बजे स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा विधानसभा का सेशन है और मुझे जाना है, तो फिर 4 बजे का समय रखा। 4 बजे हमने एक और एप्लीकेशन दी कि हमको रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी जाए। काप अपने आप कह रहे हो हमने ईमेल से पिटीशन भेजी थी, कितने बजे भेजी थी, किसको भेजी थी, किस ईमेल आईडी पे भेजी थी, वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे आ गई है। हमने फिर उनसे ये भी कहा कि पिटीशन की कॉपी, एक एडिशनल एफिडेविट फाइल हुआ, मैंने पहली बार देखा है कि सुनवाई शुरू होने के बाद 4:02 पर हमको उसकी कॉपी दी गई, और जो पिटीशन की कॉपी है वो बहस समाप्त होने के बाद 6:02 पर हमको दी गई है। हमने टाइम और समय उस पर रिकॉर्ड किया है। जो प्रोसीजर है इस केस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया हुआ है, उसकी अटर वॉयलेशन है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमको समय दो, हम रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद बहस करके निर्णय करिए। आप 7 दिन का नहीं देते, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितना आपको रिजनेबल है उतना समय तो दीजिए। ये कैसे हो जाएगा कि 28 तारीख को 12 बजे आपने सुबह प्रोसेस शुरू किया और 28 तारीख को 5-6 बजे तक आप समाप्त करना चाहते हैं? ये कानून के खिलाफ है, कानून की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आपका निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप सिर्फ जो पटिशनर कह रहा है वो सारा सत्य है और रिस्पॉन्डेंट्स जो कह रहे हैं उसको सुनना ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने अपनी जजमेंट रिजर्व की है, वो सही कानून के अनुसार निर्णय करेंगे। निर्णय आने के बाद हम तय करेंगे आगे हमको क्या करना है। सर, अगला प्रोसीजर क्या होगा? काम, मुझे पूरा विश्वास है स्पीकर अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, स्पीकर के पद की जो अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट की, उसकी मान्यता करते हुए इस केस में सही निर्णय देंगे। अगर निर्णय कुछ और होगा तो देखेंगे क्या करना। सर, जो एफिडेविट दिया गया सरकार की तरफ से, क्या आपको बताया गया क्या एफिडेविट है और क्या सरकार ने उसमें कहा है? नहीं, एक पेज है, उन्होंने कहा आज भी इन्होंने बाइकआउट किया है, तो पिटीशन तो कल फाइल हुई थी, आज वाला रेलेवेंस कहाँ से आ गई? पिटीशन कल फाइल हुई है, उसकी कॉपी नहीं मिली। जो आज एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया, ये तो ऐसा थोड़ा भी आपकी घर की अदालत है, जो मर्जी कर लो, कानून के अनुसार चलता है। मैंने कहा जज के सामने भी कोई बंदा कत्ल कर देना तो आप उसको कान से पकड़ के ले जाके सीधा फांसी के फंदे पर नहीं टांगते, उसका ट्रायल चलता है, उसको मौका मिलता है अपनी बात कहने का। ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, सुबह 12 बजे प्रोसेस शुरू हुआ और 6 बजे वो समाप्त हो गया। सर, आप कह रहे हैं कि जो राज्यसभा पिटीशन में क्या लिखा है, उन्होंने सिर्फ एक पेज का एफिडेविट दिया है आज का जो हुआ है उसको लेके, जो कि नहीं एडमिसिबल है, सारा कानून की उल्लंघना है, प्रोसीजर है। मुझे फिर पूरा विश्वास है कि स्पीकर साहब अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय देंगे। जैन साहब, अभी जो 6 लोग निराश हैं, और मैंने उनको ये भी बताया कि कुलदीप नैयर के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया है कि राज्यसभा इलेक्शन में कोई MLA किस तरह वोट डालता है, इसके आधार पर एंटी डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट लागू नहीं हो सकता। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने, माननीय अध्यक्ष ने 6 विधायकों को आज प्रातः शोकाज नोटिस इशू किया था अंडर दी एंटी डिफेक्शन लॉ। 1:30 बजे उन्होंने पेश होना था, तो 1:30 बजे हम पेश हुए 6 के 6 विधायकों की तरफ से। हमने लिख के उनसे निवेदन किया कि हमको पिटीशंस की कॉपी नहीं मिली है, एनेक्सर्स नहीं मिले हैं, सिर्फ आपका नोटिस मिला है, हमको 7 दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम रिप्लाई फाइल कर सकें। अंडर दी एंटी डिफेक्शन रूल्स, रूल 7 जो विधानसभा के अपने बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत जिसके खिलाफ पिटीशन आती है उसको कम से कम 7 दिन का समय रिप्लाई फाइल करने के लिए दिया जाता है। 1:30 बजे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है सरकार में, श्री हर्षवर्धन कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी पिछले कल, जिसका नोटिस हमने दिया था और आज हियरिंग के लिए हमने दोनों पार्टीज को बुलाया था। 1:30 बजे पार्टी जो है 2 लॉयर्स जो है यहाँ उपस्थित हुई हैं, और पिटीशन की तरफ से हर्षवर्धन चौहान भी थे। पहले 1:30 बजे से 2 बजे तक हियरिंग हुई, फिर क्योंकि हाउस चलना था तो उसके बाद उसको डेफर किया था 4 बजे। 4 बजे से लगातार हियरिंग अभी 6 बजे तक हुई है और दोनों पक्षों को बहुत डिटेल में मैंने सुना है और सारे तथ्य जो हैं दोनों तरफ से जो आए हैं उन पर विचार विमर्श करके मैंने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।